धान में लगने वाले कई कीटों में से एक नाम फुदका का भी है, जिसे मधुआ कीट भी कहते हैं। मधुआ कीट दो तरह के होते हैं, हरा मधुआ और भूरा मधुआ। हरा मधुआ को पहचानना बेहद आसान है। ये कीट आकार में छोटे हरे रंग के होते हैं और इनके ऊपरी हिस्से में काले रंग के धब्बे होते हैं। हरा मधुआ पौधों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे का बढ़वार रुक जाता है। हालांकि भूरा मधुआ को फसल के लिए ज्यादा हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये कीट पौधे के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं और पौधे की धड़ से रस चूसते हैं, जिसके कारण धान के पौधे सूख जाते हैं। इस कीट के रोकथाम के लिए सिस्टेमिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे इमिडा क्लोप्रिड 200 SL का 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या मोनोक्रोटोफोस 1080 का छिड़काव करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कीट के नियंत्रण के लिए विभिन्न समूहों के कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि लगातार एक ही तरह के कीटनाशकों के छिड़काव से फुदका कीटों में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, जिसकी वजह से छिड़काव के बाद भी इन कीटों से फसल का बचाव नहीं हो पाता है।